साहब अपने अबोर से आए हुए ये है कि पत्नी अनीता जी, कैसा लगा भोजन आज का? बहुत अच्छा लगा। छाछ भी अच्छी लगी। ये हमारे योग गुरु ग्रोवर साहब हैं, कैसा लगा भोजन आज का जी? बस इतना छोटा छोटा बनाते जी। नारियल की छाछ, थैंक यू। ये हमारे प्रदीप सिंधिया जी हैं, कैसा लग रहा आज का भोजन? हाँ जी गोरी साहब, छाछ कैसी लगी? हमने स्पेशल बनाई है जो बहुत बेस्ट, बिना पशु जन्य पदार्थ नहीं है, नारियल की दूध की छाछ है। हाँ जी मित्तल साहब, ये हमारे मित्तल साहब है सिरसा से, तो कैसा लग रहा है भोजन आपको? वेरी गुड। ये हमारे सुरेंद्र जी बाबा जी, भोजन सच में मजा आ रहा है, ऐसे सच्चे कह रहे हैं तो अच्छा ठीक है। ये नंदलाल जी, मुकेश जी, हाँ जी कैसा लगा भोजन आज का? छाछ कैसी लगी हमारी नारियल वाली? हाँ जी नारियल की छाछ है, दूध तो यूज नहीं करते ना। तो ये हमारे शर्मा जी, शर्मा जी रोशन शर्मा जी, कैसा लग रहा है भोजन? सही रिपोर्ट देनी है आपने हमारे बंदे वहाँ। गौरव जी कैसा लग रहा है आज का अमृत भोजन? कमाल की चीज बना रखी है जी। सच कह रहे हो, छाछ कैसी लगी आपको? ये पशुजन्य दूध नहीं है वो, अच्छा ये नारियल के दूध की छाछ है। अच्छा, हम भैंस का गाय का दूध यूज नहीं करते। ये चुकंदर वाली मीठा लड्डू और ये चटनी कमाल की जी, टेस्ट मतलब ये खाने के बाद जरूरत नहीं है भी हम कोई पका हुआ या पका हुआ याद आए कुछ। हाँ दो जी, इन्होंने पास कर दिया तो सब हमारे पास है। ये गौरव जी ने बताया जैसा कि पके भोजन की याद नहीं आती, इसको खा के आदमी पेट भर खाता है। बढ़िया कैसा लग रही छाछ सर? अरे क्या बात, वाह जी वाह। ये हमारे संजय जी सिरसा से, कैसा लगा आज का भोजन, अमृत भोजन? मजा आ रहा है, पके भोजन की याद तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं। आओ जी आज मैं सबर को कवर कर रही है। ये हमारी भाभी जी हैं सिमरन कौर फरीदाबाद से आई है देखो कैंप लगाने के लिए। कैसा लगा जी आज का भोजन? बहुत ही अच्छा। ये छाछ कैसी लगी आपको स्पेशली? बहुत ही। ये तकड़ साहब ने अपने हाथों से डाल के दिए सारा कुछ। ये अंजू जी, अंजू जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, कुछ बहुत बढ़िया, खाना बढ़िया। ये डॉक्टर बनी है हमारे एक नंबर, एक नंबर। ये हमारी छोटी गुड़िया राशिता, अच्छा सब कुछ। ये तो ऐसे लग रही है नारियल के दूध से बनी हुई है। अच्छा हाँ जी, ये सारी आयाती एंड टीम का कमाल है। हाँ जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ जी सिंगला साहब, बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। ये आपके व्यू जानने आए हैं स्पेशली हम, देखो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ये हमारे मित्र नागपाल जी, ये इनकी मिसेज है वर्षा नागपाल, तो इनसे पूछिए आप कैसा लग रहा है भोजन? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छाछ स्पेशली, ये छाछ भी बहुत अच्छी है, टेस्टी एकदम। थैंक यू। ये नागपाल जी बताएंगे इस भोजन के बारे में। रिपीट होएगा, छाछ अच्छी है। हाँ रिपीट आप जो भी चाहो मिलेगा। इग्नेश जी ने, ये कैसा लग रहा है भोजन आज का? ये पाल एंड फैमिली है, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, सबसे बढ़िया बात, मैं तो ऐसा सोच रहा था मदान साहब नॉर्मल जैसे सलाद का कच्चा खाना होता है वो खिलाएंगे। अच्छा शिविर से पहले जब बातें चल रही थी, यहाँ जब सुबह आगे मैंने देखा तो प्रत्येक तरह के व्यंजन जैसे अन यानी कि पके हुए तो पूरे हैं, बिना फायर के सब पका के खिलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में जो थाली का स्वाद है ना, एक तो डाइजेस्टिव पूरी है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो सब चीज पूरी है, और हर चीज यानी कि इसमें मिलती है, हर चीज पूरे विटामिन मिलते हैं, और पूरी जैसे छाछ पी रहा हूँ तो बताया गया मेरे को नारियल से बनाई गई। हम दूसरा दूध तो यूज नहीं करते। कमाल ही हो गया। सुबह बता रहे थे नारियल की छाछ कैसी लगी आपको? पंड्या जी बता रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, जो नारियल की छाछ पी रहा हूँ कमाल की। मैं कहता हूँ इनका भी ओवरलोड के बेटे का क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है। प्लेट बहुत अच्छी है, प्लेट की सबसे अच्छी बात यह है मैंने जो देखी कि भारत में जितने भी लोग खाना खाते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स में अलग अलग तरह के कलर्स होने चाहिए। हाँ। इंद्रधनुष के सारे कलर्स होने चाहिए। हाँ, ये खाने का हेल्दी तरीका होता है। हाँ। जो फैट कम करने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, कैंसर्स को साइड में रखने के लिए, बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए, शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे बेस्ट है। अभी जो मैं खाना लेके आया उसमें चार पांच तरह का कटा हुआ वेजिटेबल था,
इवन बीटरूट जो है मतलब खाने में बोरिंग भी नहीं है और हेल्दी भी है। बीटरूट नॉर्मली खाओ तो कई बार नहीं, कोई पसंद नहीं करता। मैंने स्पेशली आसपास सबसे पूछा कि बीटरूट का जो इतना हलवा है ये कैसे बना, खाने में वो डेजर्ट की तरह भी है और हेल्दी भी है। इस चीज का मैं पूछना चाहूंगा, ये अच्छी चीज लगी मुझे, ये क्या था? ये नारियल की छाछ है, फर्मेंटेड है? नहीं कुछ नहीं है, इसमें फ्रेश। अच्छा, कैसे बनाते हो? बस वो सब आपको रेसिपी में सिखाएंगे, आपके पापा को हम सब बता रहे हैं, सुबह क्लास लगती है। बहुत ही बढ़िया था, थैंक यू। ये मिसेस पाल हैं, घर बना के खिलाएंगे इनका और अपना भी लो। मैं घर जाके हर वक्त यही डाइट बनाने लगा। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी और आपकी और आपकी सारी फैमिली हेल्दी की तरफ चल पड़ेगी, सब इस रास्ते पे आपका बढ़ना जारी हो जाएगा। अब शिविर के बाद से हमारे जो घर की डाइट है इसके बहुत नजदीक है, तो आपको इजी रहेगा। इजी रहेगा हमें। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू जी।